जा रही हूँ अपना आपको कॉलेज सिखाने कि मेरा कॉलेज आखिर है कहाँ और दिखता कैसा है और वहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज है, ठीक है। उसके साथ मैं ये भी बताऊँगी कि वहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है और वहाँ पे फ्रेशर पार्टी होती भी है या नहीं होती है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर संदीप सर से आपको मिलवाते हैं और लोकेशन भी दिखाएंगे कि हम कहाँ से जाते हैं अपने कॉलेज, ठीक है। बाय, मिलते हैं। आती है साइकिल से, आती है इसकी साइकिल से, आती है इसकी साइकिल हम लोग गिरा देंगे। पहुंच ही गए हैं उधर उस पट्टी पे। ये हमारे प्यारे गार्ड अंकल दिन रात सुबह शाम यही खड़े रहते हैं, बंदूक लिए रहते हैं ठोकने के लिए हम लोग को। चलो चलती है वो उधर बीएड की चलती है, एमएससी की चलती है और इधर ब्लॉक ए में बीएससी वालों की चलती है और एमए वालों की चलती है बीएड, ठीक है। बीएड वालों को भी चलती है, आईएम अंदर लेके चलती है। यार ती है पागल। यहाँ बी एड की क्लास चल रही है, पी की चलेगी, और आगे ऊपर चल लो पी एस सी। दिव्या को जूम करो, दिव्या बहुत गुस्सा आती है। उधर भी चलते हैं, ये जितनी भी लड़कियां हैं बीएससी की, और यहाँ पे पहला पीरियड केमिस्ट्री का चलता है, ठीक है। और ये जो हमारे स्कूल की बीएड की जो ड्रेस है वो एक बीएससी की जो ड्रेस है वो ये आप और ये लोगो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लोगो आपको सिर्फ स्कूल में ही मिलेगा। हम एससी की क्लास चलती है और कभी कभार हाँ वो ब्लैक बोर्ड है, देखिए हमें तो दिखाई नहीं था, इसने बताया कि वो ब्लैक बोर्ड है और इसलिए ये भी नहीं पता कि वो वाइट बोर्ड है, उसने ब्लैक बताया। गाइस, आपने जो हमसे बीएड की ड्रेस मांगी थी वो हमने गूगल से डाउनलोड करके आपको दे दी है। आपको जो भी ड्रेस स्क्रीन पे दिख रही है वही ड्रेस हमारे ब्रिजराज में चलती है बीएड वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि बीएड की क्लास में मैं जा नहीं पाई, हाँ क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि आपके कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होती भी है या नहीं, तो हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी भी होती है और तो और टूर भी ले जाते हैं और हर महीने कम से कम 3-4 बार तो कोई ना कोई कंपटीशन होता ही रहता है, ठीक है। अभी इस हफ्ते हम लोग का मेहंदी कंपटीशन था और नेक्स्ट वीक हम लोग का रंगोली कॉम्पिटिशन है, ठीक है। रेगुलर आना ज़रूरी है या नहीं, तो हाँ रेगुलर आना ज़रूरी तो है क्योंकि डेली पढ़ाई हो रही है और तो और अटेंडेंस जो है हमारी कंपलसरी रहती है, ठीक है। लेकिन जो पेपर टाइम है हमारी जो अटेंडेंस है वो 75% होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं आते हैं तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आई होप कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि आपको चाहिए थी, ठीक। और जो नहीं मिली है वो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।